एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फरहान और आज जो है लिस्बन में हमारा डे 3 है। आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं सिंत्रा कवर करूंगा। यहाँ से अभी हम लोग जो हैं वो अपनी रेंटल कार पिकअप करने जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम लोग सिंत्रा की तरफ चलेंगे। तो होपफुली आज सनी डे है, काफ़ी अच्छा दिन रहेगा। आज यहाँ पे ये 6 का रेंटल कार है, इसकी जो लोकेशन है मैं वो बीच में शो कर दूंगा। सिंत्रा जाने के लिए आप लोग ट्रेन भी ले सकते हैं जो कि लिस्बन के रोजियो स्टेशन से मिलती है। अराउंड 50 मिनट्स उसकी राइड होती है और वो आपको अराउंड 480 यूरोस कॉस्ट करेगी रिटर्न टिकट। 45 मिनट्स की ड्राइव है लिस्बन से सिंत्रा की। ऊपर टीना पैलेस का ये लास्ट स्टॉप है, ये जो मेरे जगह है यहाँ पार्किंग, अगर आपकी लग है तो आपको यहाँ मिल जाएगी, वरना आपको काफ़ी नीचे लगानी पड़ेगी। तो अभी जो है हम लोग पैलेस की तरफ वॉक करेंगे, आई थिंक अराउंड हाफ एन आवर वॉक लगेगी, पर मज़ा आएगा। तो अगर गाड़ी पे आना है तो आप गाड़ी पे आ सकते हैं आराम से। कोई मैं पढ़ रहा था कि ट्रैफिक होगी, ये होगी, वो होगा, शुक्र है कोई इतना कोई ट्रैफिक नहीं था, माइनर सा था। पर यह कि अपहिल ड्राइव है, पूरा राउंड एंड राउंड घूमना पड़ता है। टने 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 टडे 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 जो पैलेस है वो वहाँ हमें जाना है। हम देखते हैं कि हम किस तरीके से पहुँचेंगे आज। नहीं वहाँ कब आएगा भाई, कब आएगा ये भाई। यहाँ इनके पार्क है यहाँ पे इनका, इस टुक टुक में भी आप लोग आ सकते हैं। यहाँ से आप लोग टिकट खरीद सकते हैं अगर आप लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स नहीं खरीदी हैं, यहीं पे ही आपको वो जगह मिल जाती है। टीना पैलेस की तरफ जाएंगे, 10 मिनट्स की वॉक है यहाँ से। तो यही इसकी एंट्रेंस है, यहाँ पे ये इतना रश चल रहा है। क्यूज इतनी लंबी नहीं है तो इतने मसले की बात नहीं है, थोड़ा बहुत रश तो चलता है। बट तो चले अंदर सिंत्रा की तरफ चलते हैं। इतनी लंबी हम लोग हाइक कर आए हैं, यहाँ पर भी गाड़ियाँ आ जाती हैं पर यहाँ ट्रैफिक बहुत है और पार्किंग का बहुत मसला होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने, टिकट आप भले पहले से ले लें सिंत्रा की, 3 दिन पहले ले लेंगे तो 15% ऑफ होता है टिकट के ऊपर, लेकिन खैर लेकिन आपको अपने टाइम पर भी पहुँचना पड़ता है, हमें हमारा टाइम पता नहीं था। चले यहाँ फिर अंदर चलते हैं। तो यार यहाँ से जो है ये जो एरिया है पूरा यहाँ पर, तो यहाँ से जो है वो अभी भी 30 मिनट्स आपको कैसल की वॉक लगेगी, तो और फिर आपको अपने टाइम स्लॉट पर पहुंचना है, तो ये आपने इस बात का ध्यान रखना है यहाँ से भी। अभी वॉक करते करते भाई वहाँ पहुंचना है ऊपर, अभी भी 20 मिनट्स की वॉक बाकी है, वॉक ही वॉक करते रहो। बच्चों के साथ तो भाई मैं तो रेकमेंड ही नहीं करूँगा कि आओ, बेचारे बच्चों पे भी जुल्म है ये जो मैंने अपने बच्चों पर किया है। ऊपर तक तो चलो गाड़ी में आ जाते हो, ऊपर यहाँ तक क्या कसूर है। हमें हिस्ट्री का शौक है तो ठीक है भाई, बच्चों को किस बात की सजा दे रहा हूँ मैं, है ना लियान, है ना, सजा मिल रही है आपको। मेरी बेटी थक गई है। फाइनली हम लोग पीना पैलेस की तरफ पहुंच गए हैं। पीना पैलेस की जो हिस्ट्री है वो अराउंड 12th सेंचुरी तक डेट करती है। यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड चैपल जो के अवर लेडी ऑफ पीना जिन्हें कहते हैं यहाँ पर, उनके लिए बनाया गया था। यही सेम लोकेशन पे किंग मैनुअल 1 ने यहाँ पर एक मॉनेस्ट्री की कंस्ट्रक्शन का कहा था, जिसे रॉयल मॉनेस्ट्री ऑफ अवर लेडी ऑफ पीना कहा जाता था। और ये एरिया पूरा जो है वो मेडिटेशन के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद 1755 में यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया और मॉनेस्ट्री काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जब मॉनेस्ट्री के थोड़े बहुत रुइंस रह गए थे उसके बाद यहाँ पर काफी रिलीजियस चेंजेस हुई, और फिर यहाँ पर जो है वो 1834 में एक रिलीजियस ऑर्डर जो चलता था पोर्चुगल के अंदर वो यहाँ पे खत्म हो गया। और उसके अलावा काफी ब्रीफ हिस्ट्री रही, और फिर किंग फर्डिनेंड 2 जो है जब वो किंग बनकर पोर्चुगल में आया तो वो सिंत्रा से बहुत ज्यादा फैसिनेट हुआ और फिर उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैसल बनवाया। फिर वो यहाँ पर क्वीन मारिया 2 के साथ उसने यहाँ पर रिहाइश करी। तो उसके बाद काफी रॉयल फैमिली यहाँ पर रही अंटिल 1910 तक, जब पोर्चुगल को एक रिपब्लिक की तौर पर इंडिपेंडेंट कर दिया गया। पैलेस की जो प्रॉपर एंट्री है उससे पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत वॉक है तो आपको करके फिर ऊपर की तरफ जाना होता है। और पीना पैलेस की जो साइट है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
जब आप पीना पैलेस पहुंच जाते हैं तो फिर आपको यहां पर फिर से वेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप टाइम से पहले भी आ गए हैं तो भी आपको अपने टाइम की एंट्री का वेट करना होता है। हमें 3 PM की जो एंट्री थी वो मिली थी, तो हम अराउंड 1:30 पहुंचे, तो हमें काफी देर यहाँ पे वेट करना पड़ा था। पैलेस की जो एंट्री है इसके अंदर पूरा आपका पैलेस का टूर होता है, जिसमें डिफरेंट किंग्स के रूम्स होंगे। जैसे कि ये है, ये उनका एक प्रॉपर कोर्टयार्ड एरिया है। वॉक करते करते यहाँ पर पैलेस में आपको इनके टी रूम्स मिलेंगे। उसके अलावा जितने भी इनके रॉयल फैमिली के लोग यहाँ पर रहकर गए हैं उन सब के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया गया है। काफी खूबसूरत यहाँ का स्ट्रक्चर और काफी कुछ प्रिजर्व किया हुआ है। ये जैसे रॉयल फैमिली का प्रॉपर डाइनिंग एरिया था, जहाँ पर रॉयल फैमिली जो है वो डाइन करती थी, और इसका सीलिंग स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और ये जो था ये इनका टेलीफोन एरिया था। के अलावा यहाँ पर रश बहुत होता है, तो आपको हर जगह जो है आपकी क्यू चल रही होती है और आपको जाना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा होता हर चीज़ देखने का। जैसे ये बेडरूम है, ये किंग कार्लोस का बेडरूम रहा है। और ये जो है पूरा इनका बाथ एरिया रहा है, काफी डिफरेंट है आजकल के जमानों से। ये जो है यहाँ पर ओरिजिनल जो मॉनेस्ट्री थी उस पे जो लेडी ऑफ पिना है उसका एक ये पीस इन्होंने यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है, जो आज तक सरवाइव किया हुआ है यहाँ पर। ये जो है पूरा एरिया ये इनका आउटर कोर्टयार्ड एरिया है, जो किंग और क्वीन यूज करते थे। और यहाँ से जो पूरे सिंथरा के व्यूज है बहुत ही खूबसूरत है, और थोड़ी देर यहाँ पर आप गुजार सकते हैं। लकली हमारे लिए इतना रश नहीं था, तो हमने थोड़ा देर यहाँ पर गुजारी। आई मस्ट से काफी रोमांटिक प्लेस भी है भाई। और यहां से फिर घूमने के बाद आप फिर से पैलेस के डिफरेंट रूम्स की तरफ जाते हैं। ये जो है इनका यहाँ पर प्रॉपर स्टैग रूम है, जिन पे यहाँ पर इनकी काफी पार्टीज की गैदरिंग हुआ करती थी। पूरा यहाँ पर हमारा अच्छा ट्रिप रहा, यहाँ पर काफी चीजें देखने को मिली क्योंकि सिंथरा की इतना बड़ा पैलेस नहीं है घूमने के लिए, एक दो जगह रेनोवेट भी हुई थी। काफी खूबसूरत जगह है, आई मस्ट से कि अगर आप लोग आए लिस्बन तो सिंथरा पैलेस की तरफ जरूर आए। ऑल दो यहाँ पर और भी बहुत खूबसूरत जगह है करने के लिए। हमारे साथ एक स्कैम्प हुआ था जिसकी मैं छोटी सी वीडियो अलग से बनाऊंगा सिंथरा में, ताकि आप लोग को मैं अवेयरनेस दे सकूँ। भाई ऊपर से जाने का आसान तरीका है, टुक टुक करवा लो भाई। ये जो है अब टुक टुक का सफ़र होगा यहाँ पे, ये टुक टुक आइलैंड वाले बस एक यहाँ भी होंगे, ये कोच टुक के अंदर। ठीक है भाई, ये आपको आसानी से नीचे लेंगे। के अलावा यहाँ पर जो है वो मूर कासल है, वो विजिट करना चाहिए। उसके अलावा पार्क एंड पैलेस ऑफ मोन्सराटे है और सिंथरा नेशनल पैलेस है। पर फैमिली के साथ आप एक दो ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप लोग सिंथरा में ज़्यादा लंबा रुकें, 2 दिन तो रुकें एटलीस्ट, तो आप पूरा कर लेंगे। यार अभी जो हम लोग पिनेश है एक एरिया है, वहाँ पर हमारा होटल बुक था, तो क्योंकि हमने ओबिडोस वगैरह जाना है, लेकिन हमने यहाँ पे एक जो इलाका है टोरोस डी वार्देस समथिंग, तो वहाँ पे हम लोग रुके हैं कि हम लोग यार कुछ पिज़्ज़ा खा लें, भूख लग रही है। तो अभी डिफरेंट टाउन है, गाड़ी का यही फ़ायदा होता है कि अनयूजुअल जगहों पे आप रुक जाते हैं। मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना इस एरिए का,
तो अभी हम वहाँ जाएंगे, कुछ पिज़्ज़ा ढूंढते हैं। पुर्तगाल का नेबरहुड है इस एरिए का। यहाँ पे वही कलरफुल घर है, यहाँ पे भी रात का माहौल है। खाना ढूंढते हैं भाई लोग। ये भाई कराची स्टाइल घर बने हुए हैं यहाँ पे। ये पुर्तगाल लिस्बन से अराउंड 1 आवर्स की ड्राइव पे ये एरिया है। ये काफ़ी अच्छा एरिया है। अमेजिंग, यहाँ पर वेजिटेरियन पिज्ज़ा हमें मिल गया था। इतना बड़ा पिज्ज़ा आया था मेरे आने से पहले ही घर वालों ने शुरू कर दिया। हम आने आने से पहले खाली पड़ा हुआ था, एकदम भर गया है ये। और यहाँ से फिर हम लोग अपने होटल की तरफ चेक इन करने के लिए चले गए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। कोई पुर्तगाल जा रहा हो तो उनके साथ जरूर वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।